गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सर। आज हम लोग पढ़ेंगे ग्रामर में। कल बताए थे कि सेंटेंस यानी कि नरेशन बनाने के लिए सेंटेंस को जानना जरूरी है ना। उसी सेंटेंस हम लोग जान लिए थे कौन सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस और एक और क्या था, इंपरेटिव सेंटेंस। आज जो हम लोग पढ़ेंगे कौन सेंटेंस, ऑपरेटिव सेंटेंस। क्या पढ़ेंगे? ऑपरेटिव सेंटेंस। और इसको क्या बोलते हैं हम लोग इंग्लिश हिंदी में, इच्छा बोधक वाक्य। क्या बोलते हैं? इच्छा बोधक वाक्य। हल नहीं करो। कौन सेंटेंस है ऑपरेटिव? ऑपरेटिव सेंटेंस। ऑपरेटिव सेंटेंस हम लोग क्या बोलते हैं हिंदी में? इच्छा बोधक, इच्छा बोधक के वाक्य, इच्छा बोधक वाक्य। तो क्या होता है इच्छा होता है, यानी कि मान लेते कि दो सेंटेंस विच एक्सप्रेस डिजायर, जिसमें क्या चीज हो, डिजायर मतलब इच्छा, जिसमें इच्छा का क्या व्यक्त किया जाता है, ये लिख सकते हैं कि वैसे सेंटेंस है ना, जिसमें क्या चीज हो, इच्छा का बोध हो, उसे क्या कहते हैं, ऑपरेटिव सेंटेंस। वैसी सेंटेंस जिसमें क्या चीज हो, इच्छा का बोध हो, इच्छा का बोध। वैसी सेंटेंस जिसमें क्या चीज हो, इच्छा का बोध हो, उसे क्या कहेंगे, उसे ऑपरेटिव सेंटेंस कहेंगे। ऑपरेटिव, ऑपरेटिव सेंटेंस कहते हैं। इच्छा जैसे हमारा सेंटेंस है, आप कोई लोग भाषा क्या करता है, ए किसी को दुआ देते हैं तो बोलते हैं ना कि मे गॉड ब्लेस यू, भगवान को क्या करें, भला करें, मे गॉड ब्लेस यू। तो कोई भी सेंटेंस मे शुरू होता है तो ऑपरेटिव सेंटेंस के लास्ट में रहता है, क्या चीज लास्ट में लगा रहता है, लास्ट में लगा रहता है एक्सक्लेमेशन रहता मार्क्स, ये वाला इस तरह से रहेगा। जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं, मे गॉड ब्लेस यू, लास्ट में क्या रहेगा, एक्सक्लेमेशन मार्क रहेगा, इस तरह से रहती है, इसको बोलते हैं हम लोग एक्सक्लेमेशन मार्क। जागला में पढ़ेगा हम लोग एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस। कहीं कहीं सेंटेंस में रहता है इसे गाय भी रहता है, इसे गॉड ये मे गॉड ब्लेस यू रहता है, इसे मे नहीं रहेगा ना, गॉड ब्लेस यू तो शांत भी रहता है, जब कोई चीज में नहीं दिखाता। तो वैसे सेंटेंस जिसमें क्या चाहिए, इच्छा का बोध हो, तो भगवान से क्या कर रहे हैं, इच्छा कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं कि वो आपको खुश रखे, क्या रखे, मे गॉड ब्लेस यू, ब्लेस मतलब ब्लेसर, कृपा 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 होता है ब्लेसर ना, कृपा होता है प्रार्थना करना, दुआ मांगना क्रिया है, इस तरह से बोल सकते हैं। अगला एग्जाम्पल देखिए, मे मे यू लाइव लॉन्ग, मे यू लाइव लॉन्ग, बताइए इसका हिंदी क्या चीज है, मे यू लाइव लॉन्ग। अरे आप क्या है, आप जो है लंबे जीवन जी सकते हैं। मे मतलब जैसे होता है कि मे में सकना भी होता है, जैसे मे कैन का यू करते हैं, जैसे बोलते हैं मे आई कम इन सर, अंदर जाने के लिए प्रयोग करते हैं, मे आई कम इन सर, मे आई गो आउट सर, तो ये क्या चीज होता है, इच्छा बोधक वाक्य। तो मे यू लाइव लॉन्ग, तो इस तरह का वाक्य रहेगी, तो कौन सा वाक्य आएगा, ऑपरेटिव सेंटेंस। ओके बताइए आगे देखते हैं। इतना देख दे, ये आयल पे जब चलो कि आगे देखिए,
अगला सेंटेंस है, लास्ट सेंटेंस है, पांचवा सेंटेंस है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। कौन है? एक्सक्लामेटरी। इसको हम हिंदी बोलते क्या चाहिए? विषमयादि बोधक, विषमयादि बोधक, है ना। इसमें क्या चाहिए होता है? वह सेंटेंस जिसमें क्या चीज का ये बोध होता है, सुख के होगा, दुख होगा, प्रशंसा, है ना, आशा, घृणा, है ना, इस तरह वाक में रहती रहेगी तो उसे क्या बोलेंगे हम लोग? एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, यानी कि विषमयादि बोधक। और देखिए इसके अंत में भी लगा हुआ क्या चाहिए? एक्सक्लामेशन मार्क्स लगा हुआ। क्या लगा हुआ है? ये बोल पाई दे के नीचे बिंदु, तो कौन हो गया मार्क्स? एक्सक्लामेशन मार्क्स, है ना। जो पीछे भी पढ़े थे कोई सा सेंटेंस था, ऑप्टेटिव ना था, ऑप्टेटिव में भी लगता है क्या चाहिए? एक्सक्लामेशन मार्क। और इसमें भी लगता है, इसमें तो वह सेंटेंस जिसमें सुख हो, दुख हो, अचर हो, संदेह हो, घृणा हो, प्रशंसा हो, इस तरह से रहेगी वाक में, तो वह कौन सा वाक? एक्सक्लामेटरी। और जहां भी एक्सक्लामेटिव रहेगी वहां पर एक्सक्लामेशन मार्क रहेगा। अगर एक्सक्लामेशन मार्क नहीं है तो एक्सक्लामेटरी नहीं है। इसमें जरूरी है कि रहेगा। देखिए इसमें पहला वाक है ही सैड। ही सैड है अलस। अलस का मतलब क्या जानते हैं? अलस, आलसी। वाह वाह। अलस का मतलब होता है हाय, दुख होता है हाय, हाय भाई उम्र के लिए, हाय हाय। आई एम रियून। रियून का हिंदी क्या होता है? इस पता है रीड मतलब तबाह, तबाह। ही सेड, वह कहा, अलस, हाँ आई एम रून, हाय मैं तबाह हूँ। क्या हूँ? तबाह बोलते हैं, हाय मैं तबाह हूँ, हाय दैया। तो ही सेड अलस हाय, अब बोला हाय नहीं है, वो हाय होता है हेलो हाय, वो नहीं, ये हाय में तो ये दुख दिखा रहा है। क्या दिखा रहा? हाय मैं तबाह हूँ। क्या हूँ? तबाह हूँ। कची प्लेयर्स, प्लेयर्स द प्लेयर्स से प्लेयर कहा, कची कहा, हुर्रा 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 बोलता है, हुर्रा हुर्रा करता है, तो खिलाड़ी बोलता है हुर्रा हुर्रा करके किसी पीछे यदि करने के लिए, चिढ़ाने के लिए, या क्या बोलते उसको हम लोग, पिनकाने के लिए बोलते हैं हुर्रा हुर्रा। तो कि खिलाड़ी बोला था, खिलाड़ी ने बोला हुर्रा द सेट, हुर्रा द कप इज आवर्स, ये कप किसका है? हमारा है, हुर्रे हुर्रे कप मेरा है। द प्लेयर सेड हुर्रे, हुर्रे के ही हुर्रे के हुर्रे ही होता है, हुर्रे हुर्रे। फिर देखिए है आगे है, अभी अभी तो नीत नहीं हुआ, फिर ये तो जामे है, देखिए आगे। ही सेड व्हाट ए नाइस फिल्म इट इज, बताइए इसके अंदर क्या चीज होगा? वह कहे, लड़की कहे, क्या चीज कहे, कितनी सुंदर फिल्म है यह। यहाँ पर व्हाट का मतलब क्या चीज है? क्या नहीं है, यहाँ पर लिखता है निकलता है इसका अर्थ कितनी, क्या निकलता है? कितनी। तो ही सेड व्हाट ए नाइस फिल्म इट इज, वह कहे, कौन कहे? लड़की, लड़की ज्यादा देखे करती सीरियल या, चल बात है। वह बोली, क्या जी बोली, कि कितनी सुंदर यह फिल्म है, कितनी सुंदर यह फिल्म है। अगला देखिए, ही सेड वह कहा, कौन कहा? व्हाट ए हॉरिबल सॉन्ग। हॉरिबल का हिंदी क्या होता है? हॉरिबल मत होता भयंकर, कहते ना यह बोलते हैं कितना एकदम जबरदस्त है, भयंकर सॉन्ग है, अच्छा लगता है। वह कहा कितना अच्छा सॉन्ग है ना, और सुनवा सुनवे कर दो सॉन्ग, है ना, नासिक बा गाने सुनने में चल जाते आप। ये देखने गया था कल, कितना ये कह रहा था, पांचों वाक हो गया। अब यहाँ से हम देखेंगे क्या चीज अगला, नीति का नरेशन का पार्ट इसमें है, किस तरह से जो बनाते हैं, और इसमें देखें पार्ट जो है किस तरह से हम चेंज करते हैं। इसमें भी अलग अलग होता है, पांच को चेंज करते हैं, टेंस चेंज होता है और पर्सन चेंज होता है, जो मैं करता उतार लूँ मिटाते हैं। देखा डायरेक्ट नरेशन से इनडायरेक्ट नरेशन बदलने के लिए दो नियम होते हैं, एक होता है जनरल रूल्स जो क्या होते हैं, समान ही होते हैं, यानी एकदम साधारण, ज़्यादा क्या होता है एडवांस नहीं, एकदम जनरल्स, यानी कि ऐसे रूल जो सभी तरह के वाक्य में लागू होते हैं उसे क्या कहते हैं लोग, जनरल्स रूल कहते हैं। दूसरा इसमें स्पेशल रूल्स है, क्या चाहिए?
और स्पेशल रूल्स हैं, यानी कि वैसे रूल्स जिनमें भिन्न भिन्न वाक्य लिए भिन्न भिन्न नियम लगता है। और इसमें कि अलग अलग जो वाक्य रहेगा ना तो उसका अलग अलग नियम रहेगा। और इसमें जनरल में होता है कि वैसे वाक्य जिनमें सभी में लागू होता है। तो जनरल जो वाक्य ये रूल्स है तीन प्रकार का होता है। तीन प्रकार के तीन प्रकार है। पहला होता है चेंज ऑफ पर्सन, क्या होता है चेंज ऑफ पर्सन, चेंज ऑफ टेंस और चेंज ऑफ पास्ट ऑफ स्पीच। सुना नाम है पास्ट ऑफ स्पीच का, जिसमें क्या चीज हो चेंज करते हैं लोग, ये कैसे बोलते हैं नाउन चेंज करते हैं, ऑब्जेक्टिव चेंज करते हैं, प्रोनाउन चेंज करते हैं, ये सब क्या चीज है सभी पास्ट ऑफ स्पीच है। क्या हेलो फांसी देंगे तो रहा तो देखो इसे लिखते हैं, देख देहू मिटा दिया ना लग गया। जनरल रूल्स के कितने पार्ट हैं? तीन पार्ट है। जनरल रूल्स के कितने भाग? तीन भाग। पहला बात क्या चीज बताया अभी, चेंज ऑफ पर्सन। पर्सन कितने प्रकार के होते हैं? पर्सन तीन प्रकार के होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। तो सबसे पहले पर्सन चेंज की जाती है नरेशन में, अभी बताएंगे। पहला इसका हो गया टाइप, दूसरा होता है क्या चेंज ऑफ टेंस, चेंज ऑफ टेंस। देखिए टेंस आ गया ना, इसलिए बोलते हैं टेंस जो है आप रिवाइज कर लीजिए जो पीछे पढ़े हैं। टेंस का इसमें क्या उपयोग होगा, टेंस के हिंदी क्या होता है काल, तीसरा क्या जो होता है चेंज ऑफ पास्ट ऑफ स्पीच ना, चेंज ऑफ पास्ट ऑफ स्पीच। तीन है जनरल में फ्लो करेंगे हम लोग। पहले सबसे पहले देखेंगे क्या चीज, चेंज ऑफ पर्सन, इसको उतार लिया है। चेंज ऑफ पर्सन सबसे पहला रूल्स इसमें क्या चीज है, चेंज ऑफ पर्सन। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, एक एग्जांपल ले लिया, चलो सिमरन और ना मैं पर्सन तो सिमरन सेड टू मी, सिमरन मुझसे कही आई एम लेजी गर्ल। दे बोले सिमरन सेड टू मी आई एम लेजी गर्ल। सिमरन जो है क्या कौन सा पर्सन है, थर्ड पर्सन है। आई कौन सा पर्सन है, तो जब इसको हम चेंज करते हैं क्या चीज में, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन में, तो सबसे पहले इसका रूल क्या चीज है चेंज ऑफ पर्सन। तो इसका एक क्या होता है, इसका एक ट्रिक होता है, समझिए कैसे होता है। सन होता है, सन एस ओ एन, सन मतलब सूरज, सन मतलब बेटा, क्या होता है बेटा। यहाँ सन के गाना सुन रहे लाइक तोहर के पापा क्यों करता है ना हो, एस का मतलब क्या होता है सब्जेक्ट, ओ का मतलब क्या होता है ऑब्जेक्ट, नरेशन नहीं होता है ये होता है नो चेंज। देखिए करा के सब्जेक्ट जो है ना, सब्जेक्ट क्या होता है ये फर्स्ट पर्सन जो है सब्जेक्ट, यानी फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार चेंज होती है सब्जेक्ट के अनुसार, फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन किसके अनुसार ऑब्जेक्ट के अनुसार, और ये थर्ड पर्सन यहाँ पर क्या चीज है नो चेंज।
हाँ इसको चेंज नहीं करें, जैसे सिमरन है तो चेंज नहीं होगा यहाँ पर, कोई चेंज नहीं, जब ही कैसे उसी रहेगा। फर्स्ट पर्सन देखिए सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगी, और सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, और थर्ड पर्सन नो चेंज। ओके तो देखिए कैसे चेंज होगा। अब किसे चेंज करते हैं हम लोग, यहाँ से चेंज करते हैं, इसमें से ये कौन सा वाक्य है बताए थे, रिपोर्टिंग वर्ब है कि रिपोर्टेड वर्ब है, बाहर में क्या आती है रिपोर्टिंग होता ना, इधर वाला क्या होता है जो इन्वर्टेड कॉमा के भीतर रहती है यानी कि अंदर में, तो कौन हो गया रिपोर्टेड, और जो बाहर में है जो आजाद है कौन हो गया रिपोर्टिंग। इसको चेंज करने के लिए इसका क्या होता है, जैसे लिखते हैं हम लोग इंडेसिड इनडायरेक्ट नेशन में, सिमरन साइड के बदल देते टोल्ड में, टोल्ड मी, जैसे यहाँ से भरता है इन्वर्टेड कॉमा यहाँ क्या होता है डेड, क्या था आई कौन सा पर्सन, कौन सा पर्सन फर्स्ट पर्सन, तो यहाँ क्या लिखा हुआ है फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार चेंज होता है, क्या आंसर सब्जेक्ट कौन है सिमरन, तो सिमरन है तो सिमरन के लिए उपयोग हम क्या करेंगे सी का प्रयोग करेंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा सी। और इसमें टेंस में भी चेंज होता है, जब यहाँ असली मतलब वह लड़की के लिए वह ना होता है, लड़का के लिए ही रहता है, तो इस तरह चेंज करते हैं। ये कौन सा पर्सन आई, कौन सा पर्सन फर्स्ट, फर्स्ट किसके अनुसार सिमरन के अनुसार सब्जेक्ट के अनुसार। और इसमें देखिए बीच में क्या है एम है, मतलब हम लोग इसे मैं हूँ लगता है एम, ये कौन सा टेंस में है प्रेजेंट में है, इसको बदलने के लिए एम रहेगा तो किस किस में चेंज हो जाएगा वाज में, ये टेंस चेंज हो रहा है टेंस, अभी बताएंगे आगे। और यहाँ लेजी क्या हो जाएगा लेजी गर्ल, सिमरन कही मुझसे वो क्या चीज थी लेजी गर्ल, लेजी लेजी, यह क्या था इस तरफ चेंज करेंगे। ये सन क्या है ट्रिक है, सन से याद कर सकते हैं कि फर्स्ट पर्सन जो है सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होती है, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, और थर्ड पर्सन नो चेंज। जब कोई यहाँ पर नाम रहेगी या ही रहेगी सी रहेगी तो वह चेंज नहीं होगा। जैसे एग्जांपल लेते हैं सुतारिये आगे देखते हैं बिटार दे नहीं नहीं हम ना हमना हुआ है चलो देखो आगे देखते हैं, एक और एग्जांपल ले लेते किसका, ये कौन सा पर्सन का था फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन कौन कौन होता है आई, और ये कौन सा पर्सन है फर्स्ट पर्सन, ये कौन सा पर्सन है सेकंड, थर्ड पर्सन क्या होता है ही सी नेम इट, ये कौन सा पर्सन हो गया फर्स्ट पर्सन। ये पढ़ाए थे कौन सा चीज चैप्टर में, प्रोनाउन में पढ़ाए थे, देख मैंने घर में क्लास 9 से पढ़ाए थे। ये कौन सा पर्सन, ये कौन पर्सन, ये थर्ड है ना सेकंड, ये कौन पर्सन थर्ड पर्सन। एक एग्जांपल लेते हैं किसका थर्ड पर्सन लेते हैं, देखिए कैसे बनेगा। देखिए आई आई सेड, मैं कहा राम इज गुड बॉय, मैं कहा कि राम कैसा लड़का है अच्छा लड़का है। इसको चेंज करने के लिए क्या देखेंगे पहले, हाँ जो इन्वर्टेड कॉमा में क्या चीज, जो रिपीटेड रिपोर्टेड क्या चीज है स्पीच को देखेंगे, ये क्या राम है, राम कौन सा पर्सन थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन देख लीजिए यहाँ पर लिखा हुआ है नो चेंज, इसको चेंज नहीं करना है, इसको खाली चेंज चेंज होगा। आई सेड है तो यहाँ क्या हो जाएगा आई टोल्ड या टोल्ड डैट, राम के राम रहेगा और इज में क्या होगा इज वाज में चेंज हो जाएगा, और क्या हो जाएगा गुड बॉय, इसे पर्सन चेंज नहीं हुआ। क्या कौन सा पर्सन है थर्ड पर्सन, कौन पर्सन थर्ड, सारी
और एग्जांपल लेते हैं, एक और एग्जांपल कहा ली, जगह है, जगह है इधर, जगह है सोनू सैड टू मी। सोनू मुझसे कहा, क्या थी कहा, यू आर ड्रिंकिंग वाइन। सोनू मुझसे क्या थी कहा, आप जो है शराब पी रहे हैं, क्या पी रहे हैं, शराब पी रहे हैं। तो इसमें चेंज करना किस में, इनडायरेक्ट नरेशन में, कैसे में, इनडायरेक्ट नरेशन में। तो सोनू साइड में सोनू टोल्ड हो जाएगा ना, सोनू क्या हो जाएगा, टोल्ड मी। अब हमें यहाँ से पर्सन चेंज करना है, ये क्या चीज है यहाँ पर, यू कौन सा पर्सन, सेकेंड पर्सन। देखिए यहाँ पर है कौन, सेकेंड पर्सन किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो ऑब्जेक्ट इसमें कौन है, मी। ये कोची है यहाँ पर, ये क्या चीज है, ये सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट क्या चीज है, मी है। तो मी को चेंज करना है, तो मी के हम क्या हो जाएगा, डेट। तो यू किस में चेंज होगा, मी, तो मी का ये, मी का ये कौन सा, मी कौन सा केस है, केस कौन सा है, मी जो ऑब्जेक्टिव केस ना है, इसको बदल रहे किस में, नॉमिनेटिव केस में। तो मी का नॉमिनेटिव केस क्या होता है, गुड गुड है, गुड डेट। क्या हो जाएगा, आई में चेंज होगा, आर हो जाएगा किस में चेंज, आवाज में। और क्या हो जाएगा, ड्रिंकिंग वाइन, इस तरह चेंज करेंगे। ये कौन सा पर्सन, सेकेंड पर्सन केकरा से साथ है, मी। तो मी क्या चीज, देखो सेकेंड है, ऑब्जेक्ट कौन सा चेंज होगा, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट कौन सा चेंज करेंगे। तो मी कौन सा केस है, ऑब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस का लिख दें किस में, नॉमिनेटिव केस। नॉमिनेटिव केस क्या होता है, आई होता है, आई वाज ड्रिंकिंग वाइन, गॉड अरे गुड बाय, एक ही चीज बात हुई सब, खुश क्लास क्लास है। हाँ, लाइक है, लाइक सब समझ जाएगा इसे।